परिवहन विभाग रीवा की जांच में 4 ट्रक बिना परमिट जब्त, लगभग 7 लाख के राजस्व प्राप्ति की संभावना। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। परिवहन विभाग रीवा द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में 4 ट्रक बिना दस्तावेज के चलते पाए गए, जिनमें कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे और न ही वाहन के परमिट फिटनेस पाए गए। दस्तावेजों की जाँच करने पर वाहन क्रमांक MP 17 NH 3226, जिस पर 2,31,768 रुपए का मध्य प्रदेश शासन का मोटर यान कर बकाया पाया गया। इसके अलावा वाहन क्रमांक MP 19 HA 4399 पर भी 2,89,044 रुपए का मोटर यान कर बकाया पाया गया। चेकिंग के दौरान ही दो वाहन अन्य प्रांतों के थे, जिनके नंबर CG15DJ9058 एवं NL01AE0359 भी चलते हुए पाए गए। उक्त दोनों वाहनों में भी कोई सुरक्षित दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जांच के उपरांत इन वाहनों को जब्त कर परिवहन कार्यालय रीवा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। उक्त चारों वाहनों के प्रकरण निराकरण हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिस पर वाहन क्रमांक MP 17 NH 3226 के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया, जिस पर लगभग 70,000 रुपए का चलान जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्ति की ओर है, जिस पर कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे वाहनों पर जांच अभियान ज्यादा जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिन पर मध्य प्रदेश शासन का मोटर यान कर बकाया है और परमिट फिटनेस भी नहीं पाए जाते हैं। इस कार्यवाही से परिवहन विभाग को लगभग 7 लाख रुपए के राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। कार्यवाही अभी निरंतर जारी रहेगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।